अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है कि रमजान शुरू हो रहा है, तो मैंने भी सोचा कि रमजान के लिहाज से कुछ अच्छी रेसिपीज मैं अपने व्यूअर्स को दे दूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूं एग फ्राइड राइस। ये खाने में बहुत हल्के फुल्के होते हैं और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। तो आइए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए, उसमें है ये गार्डन पीस हैं, जो कि मटर, ये मेरे पास फ्रोजन थे, मैंने थोड़े से ले लिए हैं फ्रोजन, तकरीबन ये आधी प्याली। उसके बाद ये काली मिर्च है, ये तकरीबन एक टेबलस्पून है। उसके बाद गाजर, शिमला मिर्च, गाजर तकरीबन आधी मैंने काटी है छोटे क्यूब्स में, शिमला मिर्च जो है एक छोटी वाली ये मैंने पूरी छोटे क्यूब्स में काटी है। उसके बाद ये बंद गोभी है, कैबेज, ये तकरीबन एक मुट्ठी के करीब कैबेज है, ये थोड़ा सा हरा धनिया है कटा हुआ। इसके अलावा ये सब्ज प्याज है, अगर हम इसमें सब्ज प्याज जो यूज करें तो इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मेरे पास थोड़ी थी इसलिए मैंने थोड़ी ही इस्तेमाल कर ली है। तो इसके अलावा हमें चाहिए चावल, मैंने तकरीबन दो गिलास चावल हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी फ्राई होने के लिए, बॉयल होने के लिए रख दिए हैं। इसमें मैंने आधा टेबल स्पून सॉल्ट डाला है और इसके अलावा थोड़ा सा एक टीस्पून मैंने इसके अंदर ऑयल डाला है। ऑयल हम इसलिए डालते हैं ताकि चावल जो है वो आपस में अगर ज्यादा भी पक जाए तो आपस में जुड़े ना, बल्कि अलहदा अलहदा रहें और खराब ना हो। तो अब एक पैन में मैंने जो है वो घी ले लिया है। हम स्टार्ट करते हैं अपना जो नेक्स्ट प्रोसेस है। तो चलें व्यूअर्स, हम अपना नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने चार टेबल स्पून जो है वो ऑयल ले लिया है एक पैन के अंदर, जो कि ऑलरेडी गर्म हो चुका हुआ है। अब हम इसमें अंडे डालेंगे और अंडे डाल के जो है इसको फ्राई करेंगे। ये अंडे सारे इसकी गद्दियां वगैरह आप तोड़ लें ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब मैं आंच थोड़ी सी तेज कर दूंगी ताकि ये अंडा जो है ये प्रॉपर तरीके से फ्राई हो जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो एग है ये एग फ्राई हो चुके हैं सारे जितने भी थे। और अब हम इसके अंदर सोया सॉस डालेंगे, जो कि तकरीबन 4 टेबल स्पून है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके बाद हम इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर, ये 1 टेबल स्पून है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट, ये भी एक टीस्पून है, ये एक टीस्पून, क्योंकि अगर हम ज़्यादा डालेंगे तो वो चाइनीज चावल का टेस्ट नहीं आएगा फिर। तो चलें इसमें वेजिटेबल्स ऐड करते हैं। ये वेजिटेबल्स मैंने ऑलरेडी चॉप करके जो रख ली थी पहले मैंने आपको दिखा चुकी हूँ, ये सारी अब इसके अंदर हम डाल देते हैं। और इसके अलावा ये थोड़े से गार्डन पीस हैं, जिसको के मटर, ये भी हम इसके अंदर डाल लेते हैं। इसको हम 4 से 5 मिनट फ्राई करेंगे, तकरीबन मीडियम आंच पे, ताकि ये थोड़ी नरम हो जाए। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि दूसरे चूल्हे पे ऑलरेडी हमारे चावल जो हैं वो बॉयल हो रहे हैं, तो लेट्स वेट ये बॉयल हो जाए और उसके बाद ये जो है ये भी तीन चार मिनट में फ्राई हो जाए, तो उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ दोबारा। व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हमारा जो है एग फ्राइड राइस का ये तैयार हो चुका हुआ है, और हमने इसका आधा पैन में छोड़ दिया और आधा निकाल के मैंने एक बाउल में डाल लिया है। तो अब हम जो चावल हमारे बॉयल हो गए थे, ये मैं चावल डालने लगी हूँ जी। इनको ऊपर से मैं लेवल कर दूंगी और उसके बाद ये जो मैंने इसमें से आधा निकाला था एग फ्राइड, ये इसके ऊपर मैं डाल देती हूँ। अब हम इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए दम पे रख देंगे और उसके बाद फिर मैं आपको चेक करवाऊंगी डिश आउट करके। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं 10 मिनट के बाद। ये देखें एग फ्राइड राइस जो है ये बन के तैयार हो चुके हैं। ये बहुत ही अच्छे बने हैं, नहायत उमदा बने हैं और सब बिल्कुल अलग अलग हैं चावल, और इनका टेस्ट भी नहायत ही उमदा है। तो ये झटपट बनने वाली रेसिपी है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।